प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी किया। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इस दौरान लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं से उनके जीवन में आए अनुभवों को पीएम के साथ साझा किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा की पहल की भी सराहना की। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 15 नवंबर को संकल्प यात्रा के शुभारंभ के बाद से प्रधानमंत्री नियमित रूप से लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। देश भर में चलाई जा रही इस यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी देना है ताकि सभी लक्षित लाभार्थियों तक इनका लाभ समयबद्ध ढंग से पहुंच सके। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिभागियों की संख्या 15 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस यात्रा के दौरान 2.5 करोड़ लोगों की टीबी की जांच हुई है। जनजातीय क्षेत्रों में 50 लाख से ज्यादा लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए स्क्रीनिंग हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सैचुरेशन की अप्रोच ने सरकार को कितने ही वंचितों के दरवाजे तक पहुंचा दिया। इस यात्रा के दौरान 50 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा योजना के लिए आवेदन किया। 35 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी पीएम किसान योजना से जुड़ गए। 25 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़े गए। 22 लाख से ज्यादा नए लाभार्थियों ने मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पीएम स्वनिधि का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया। और साथियों, करोड़ों लाखों की संख्या में किसी के लिए महज आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये हर संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है। मेरे लिए ये एक जीवन है। मेरा वो भारतीय भाई या बहन है, मेरा परिवारजन है जो अब तक योजना के लाभ से वंचित था। और इसलिए हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में हम सैचुरेशन की ओर बढ़े। हमारा प्रयास है कि हर किसी को पोषण, स्वास्थ्य और इलाज की गारंटी मिले। हमारा प्रयास है कि हर परिवार को पक्का घर मिले और हर घर में गैस कनेक्शन, पानी, बिजली, शौचालय की सुविधा हो।